हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हमारा ये न्यूमेरिकल लाइक लास्ट न्यूमेरिकल किस तरह है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे ही रिलेटेड है, बट इस बार वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड देखेंगे। एज यूजुअल थोड़ी सी थ्योरी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है? द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डेल्टा बी अपॉन बी को हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। रेक्टेंगुलर बार के केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, इसके फॉर्मूले हमने देख लिए थे। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ अ सिलेंड्रिकल रॉड। सिलेंड्रिकल रॉड की वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंड्रिकल रॉड के केस में जो वॉल्यूमेट्रिकल स्ट्रेन का फॉर्मूला आता है वो आता है डेल्टा एल अपॉन एल माइनस टू डेल्टा डी अपॉन डी। डेल्टा एल अपॉन एल क्या है? हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। एंड डेल्टा डी अपॉन डी क्या है? हमारी लेटरल स्ट्रेन है। हम इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं। हमने एक इनिशियली एक रॉड ली जिसकी लेंथ L है एंड डायमीटर जिसका D है, उस पर एक फोर्स P लग रहा है। तो क्या होगा कि इनिशियली तो ये ऐसी थी, पर फोर्स P की वजह से इसमें कुछ ना कुछ इलांगेशन होगा। तो इलांगेशन के बाद मान लेते हैं कि कुछ इस टाइप की हो जाती है, इसकी लेंथ बढ़ गई है एंड इसका डायमीटर कम हो गया। लेंथ कितनी बढ़ी हमने मान लिया डेल्टा L बढ़ी है, एंड डायमीटर कितना कम हुआ, डेल्टा D कम हुआ है। ठीक है, तो अब इसका डाटा हम लिख लेते हैं। ओरिजिनल डायमेंशंस, लेंथ L है, डायमीटर D है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी इस टाइप से। ठीक है, पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल, ये हमारे सिलेंड्रिकल रॉड की वॉल्यूम हो जाएगी। फाइनल देख लेते हैं। इस केस के लिए फाइनल लेंथ हमारी क्या हो गई है, L प्लस डेल्टा L हो गई। डायमीटर हमारा D माइनस डेल्टा D हो गया, क्योंकि डायमीटर कम हुआ इसलिए माइनस कर दिया, लेंथ बढ़ रही इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, हमारी फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पाई बाई फोर डी स्क्वायर। अब डी क्या है, ये ठीक है, डायमीटर का स्क्वायर इंटू लेंथ, लेंथ हमारी क्या है, फाइनल वाली लेंथ रखी। नाउ फाइनल वॉल्यूम को थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं। हमारा ये वाला फॉर्मूला यही फाइनल वॉल्यूम है, यहाँ से हम डी माइनस डेल्टा डी का जो होल स्क्वायर है इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, तो कुछ इस टाइप से हमें मिलेगा। ये हमारे पास एक ये है और एक ये है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये मिलेगा। नाउ जो ये हमारे डेल्टा होते हैं, डेल्टा एल या डेल्टा डी, ये हमारे काफ़ी छोटे होते हैं। एंड अगर आप क्या करो कि दो छोटे टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तो और छोटा आएगा, तो ऐसे टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे जो बहुत छोटे हो रहे होंगे। लाइक यहाँ पे तो कोई नहीं, ये तो चलेगा, यहाँ पे एक है तो ये चलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा डी पहले से छोटा था, अब आप उसका स्क्वायर कर रहे हो तो ये और छोटा हो जाएगा, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, जीरो मान लेते हैं। सेम यहाँ पे डेल्टा डी बहुत छोटा होगा और यहाँ पे दो डेल्टा एल भी है, तो ये तो और ही छोटा होगा, तो इसको निगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी डेल्टा डी और डेल्टा एल एंड डेल्टा डी दो भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको भी हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत छोटा टर्म आ रहा होगा। सिमिलरली इसको भी हम निगलेक्ट कर देते हैं, सॉरी हम इस वाले टर्म को नहीं निगलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है, टू डी एल डेल्टा डी, सिर्फ एक ही स्मॉल टर्म है, तो इसको नहीं निगलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको नहीं निगलेक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको इसको और इसको निगलेक्ट करने के बाद हमें जो फाइनल वॉल्यूम मिलेगी वो ये मिलेगी। नाउ हमारी फाइनल वॉल्यूम आ गई, तो हम चेंज इन वॉल्यूम निकाल लेंगे। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगी, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, इनिशियल के हमारे ये वाला फॉर्मूला है। तो फाइनल इनिशियल करेंगे तो ये वाला टर्म प्लस में है और ये वाला टर्म माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो हैं चेंज इन वॉल्यूम ये मिलेगी। नाउ हमें पता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, जिसको हम ईवी से दिखाते हैं, इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास मिल गया, चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू रखेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम की वैल्यू रखेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। ये हमारी यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है और ये हमारी लेटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, जो फोर्स होता है उसके डायरेक्शन में हो रही होती है, एंड लेटरल क्या हो रही होती है, फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। नाउ लेट्स कम टू आर क्वेश्चन। आर क्वेश्चन इज, अ स्टील रॉड 5 मीटर लॉन्ग एंड 30 mm इन डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन। एक हमारे पास रॉड है जिसकी लेंथ एंड डायमीटर हमें दे रखा है और उसमें एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है 50 किलो न्यूटन का। हमसे पूछा गया है डिटरमाइन द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना हो रहा होगा वो डिटरमाइन करना है, चेंज इन डायमीटर एंड चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है। हमें ई एंड म्यू की वैल्यू दे रखी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें चीज़ें दे रखी है वो हम लिख लेते हैं। लाइक हमें डायमीटर दे रखा है, फोर्स दे रखा है, लेंथ दे रखी है, ई एंड म्यू की वैल्यू दे रखी है, तो लिख लेते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, डेल्टा एल, डेल्टा डी एंड डेल्टा वी। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो हमारी वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम है, उसको फाइंड कर लेते हैं। तो जो इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी हमारी, पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल, तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें इनिशियल वॉल्यूम हमारी मिल जाएगी।
नाउ हमें निकालना है डेल्टा एल, तो डेल्टा एल क्या होगा, ये वाले यहाँ से निकालना है, तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड कर लेते हैं तो मीन्स हम डेल्टा एल निकाल लेंगे उससे, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ तो हमें दे रखी है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, हमें पता है स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस होता है। अच्छा, ये वाली जो स्ट्रेन आती है ये एक्चुअली हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही होती है, जो हमने इनिशियली जो फर्स्ट चैप्टर पे पढ़ी थी उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, एक ऐसे फोर्स लग रहा था और हम स्ट्रेन निकाल रहे थे, तो वो कौन सी स्ट्रेन हो रही थी, वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही आ रही थी। तो इस फॉर्मूले से जो हमारी स्ट्रेन आएगी वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगी। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया पी अपॉन ए इंटू ई, पी की वैल्यू हमें दे रखी है रख देंगे, एंड एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ये वाला, तो क्रॉस सेक्शन एरिया रख देंगे पाई बाई फोर डी स्क्वायर, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें स्ट्रेन मिल जाएगी। हमारी ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल हमारी ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हम एल की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हमें डेल्टा एल मिल जाएगा, मीन्स चेंज इन लेंथ मिल जाएगी। नाउ चेंज इन लेंथ के बाद हमें क्या निकालना है, चेंज इन डायमीटर निकालना है। नाउ जो डायमीटर होगा, यहाँ से अगर हम देखें तो जो डायमीटर में चेंज आ रही होगी वो हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, अगर हमें लैटरल स्ट्रेन मिल जाए तो उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है फोर्स के, तो लैटरल स्ट्रेन हम कहाँ से निकालेंगे, वो हम पॉइजन रेशियो से निकालेंगे। हमें पता है पॉइजन रेशियो क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम निकाल चुके हैं, पॉइजन रेशियो में दे रखा है, तो लैटरल स्ट्रेन हमारी आ जाएगी, ये हमारी लैटरल स्ट्रेन आ गई। लैटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगी, ये डायमीटर के अलॉन्ग है ना, डायमीटर के इससे, तो चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, ओरिजिनल डायमीटर हमें दे रखा है तो हम चेंज इन डायमीटर इजली फाइंड कर लेंगे। हमने चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन डायमीटर फाइंड कर लिया, लास्ट हमें फाइंड करना है चेंज इन वॉल्यूम, वो हम कहाँ से करेंगे, वो हम करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से। हमें पता है इस केस के लिए जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी पता है, हमें लेटरल स्ट्रेन भी पता है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगी। ना हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पता चल गई, ओरिजिनल वॉल्यूम हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो हम ओरिजिनल वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें चेंज इन वॉल्यूम मिल जाएगी। सो इस तरह से हमारे डेल्टा एल, डेल्टा डी एंड डेल्टा बी दोनों ही आ गए। थैंक यू।